हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है त्रिचुरापल्ली से श्री गंगानगर तक चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हमसफर एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली स्टेशन से श्री गंगानगर के बीच में चलती है और ये ट्रेन जो है हफ्ते में एक दिन चलती है। त्रिचुरापल्ली से ये हर शुक्रवार को श्री गंगानगर के लिए रवाना होती है और इस ट्रेन का नंबर है 22498। ये हमसफर एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। ये 56 घंटे 55 मिनट में त्रिचुरापल्ली से श्री गंगानगर की दूरी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 38 स्टेशन हैं और ये जो ट्रेन है टोटल 3120 किलोमीटर के करीब जो है डिस्टेंस अपना कवर करती है और ये हमसफर एक्सप्रेस जो है इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 55 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें इस ट्रेन के टिकट किराए के बारे में तो इसमें सिर्फ थर्ड एसी कोच होते हैं और डायनेमिक प्राइस लागू होता है। त्रिचुरापल्ली से श्री गंगानगर तक का जो सब टिकट किराया है वो है 2770 रुपये और मैक्सिमम जो है वो 4100 रुपये तक जाता है। ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर भी जरूर कन्फर्म कर लें। इसके अलावा इसमें पेंट्री कार भी शामिल है जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं त्रिचुरापल्ली से श्री गंगानगर तक चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं त्रिचुरापल्ली से इसके श्री गंगानगर तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं। दोस्तों, ये जो हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन है ये त्रिचुरापल्ली से हर शुक्रवार को सुबह 4:45 पर रवाना होती है एक नंबर प्लेटफॉर्म से और इसके तकरीबन 38 स्टेशन हैं। दूसरा जो स्टेशन आता है वो है करूर जंक्शन। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 5:43 पर पहुँचती है सुबह और 5:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये हमसफर एक्सप्रेस जो है वो नमक्कल स्टेशन में पहुँचती है सुबह 6:13 पर और 6:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सालेम जंक्शन में पहुंचती है सुबह 7:10 पर और 7:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जो अगली ट्रेन है वो है बंगारा पेट। यहां पर ये ट्रेन जो है सुबह 10:10 पर पहुंचती है और 10:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कृष्णा राजापुरम में पहुंचती है सुबह 11:08 पर और 11:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बनसवड़ी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 11:33 पर और 11:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है टुमकुर स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 1:08 पर और 1:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद त्रिचुरापल्ली श्री गंगानगर हमसफर एक्सप्रेस जो है वो अरसीकेरे जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 2:45 पर और 2:50 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 591 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन बिरूर जंक्शन में पहुंचती है। बिरूर जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 3:33 पर पहुंचती है और 2 मिनट बाद 3:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 637 किलोमीटर की यात्रा जो है ये त्रिचुरापल्ली से कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दवनगरे स्टेशन में पहुंचती है शाम के 5:23 पर और 5:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरिहर स्टेशन में पहुंचती है। हरिहर स्टेशन में ये शाम के 5:43 पर पहुंचती है और 5:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हुबली जंक्शन में पहुंचती है। हुबली जंक्शन में ये 8:35 पर पहुंचती है और 8:50 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है धारवार स्टेशन में पहुंचती है रात के 9:18 पे और 9:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लौंडा जंक्शन में पहुंचती है। लौंडा जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 2:45 सॉरी रात के 10:45 पे पहुंचती है और 10:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये बेलगाम स्टेशन में पहुंचती है। बेलगाम स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह सॉरी रात के 11:38 पर पहुंची और 11:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मीरज जंक्शन में पहुंचती है रात के 2:30 पर और 2:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सांगली में ये ट्रेन जो है
रात के 2:47 पे पहुंचती है और 2:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सतारा स्टेशन में पहुंचती है 4:57 पे और 5 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद तिरुचिरापल्ली श्रीगंगानगर हम सफर एक्सप्रेस जो है वो पुणे जंक्शन में पहुंचती है 8:10 पे और 8:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लोनावला स्टेशन में पहुंचती है 9:33 पे और 9:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कल्याण जंक्शन में पहुंचती है 11:00 और 11:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है और 1600 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी थी। उसके बाद ये हम सफर एक्सप्रेस जो है वसई रोड स्टेशन में पहुंचती है 12:10 पे और 12:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 1646 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सूरत स्टेशन में पहुंचती है 3:25 पे और 3:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भारूच जंक्शन में पहुंचती है 4:14 पे और 4:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन में पहुंचती है 5:13 पे और 5:18 पे वहां से रवाना हो जाती है और 1990 किलोमीटर की यात्रा जो है ये तिरुचिरापल्ली से वडोदरा जंक्शन गुजरात तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद तिरुचिरापल्ली श्रीगंगानगर हमसफर एक्सप्रेस जो है वो आनंद जंक्शन में पहुंचती है 5:50 के करीब और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नादियाद जंक्शन में पहुंचती है 6:05 पे और 6:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अहमदाबाद जंक्शन में पहुंचती है 7:00 के करीब और 7:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है और 2090 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महसाना जंक्शन में पहुंचती है 8:35 पे और 8:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये पालनपुर में पहुंचती है 10:18 पे और 10:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है राजस्थान में आबू रोड में पहुंचती है 11:10 पे और 11:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मारवाड़ जंक्शन में पहुंचती है 2:05 पे और 2:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जोधपुर जंक्शन में पहुंचती है 3:40 पे और 3:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बीकानेर जंक्शन में पहुंचती है 8:25 पे और 8:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। बीकानेर के बाद ये ट्रेन जो है सूरतगढ़ जंक्शन में पहुंचती है 10:55 पे और 11 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन में पहुंचती है 11:45 पे और 12:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर आधे घंटे का स्टॉप है और 3053 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद तिरुचिरापल्ली श्रीगंगानगर हम सफर एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन श्रीगंगानगर में पहुंचती है 1:40 पे और अपनी 3120 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा समाप्त कर लेती है। दोस्तों इसी के साथ ये हम सफर एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी अन्य वीडियोज को भी देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।